हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज ये जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बस एक इंट्रोडक्शन है। और आप वीकेंड को जो है आप एंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि जो लोग ट्रेडर्स हैं उनका शायद मन नहीं लगता होगा सैटरडे संडे में, क्योंकि जो सोमवार से शुक्रवार काम करते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में जाते होंगे, कोई अपना और काम करते होंगे, तो आप ये सोचते होंगे यार छुट्टी कब होगी। लेकिन शेयर बाजार के अंदर जो ट्रेडर्स हैं उनको शायद ये छुट्टी बिल्कुल पसंद नहीं होगी। जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो इस बात को अच्छे से समझते होंगे, तो उनको ना तो सैटरडे अच्छा लगता ना संडे अच्छा लगता। उनको अच्छा लगता है जिस दिन ट्रेडिंग डे होता है। तो यहाँ पर सभी के लिए देखिएगा, वीकेंड है चाहे आप ट्रेडर हैं या नहीं है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है उनको भी दो दिन की छुट्टी मिलती है, और जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब में है उनको केवल एक ही छुट्टी मिलती है, कुछ केसेस के अंदर दो भी मिलती है। तो यहाँ पर जो आज की जो चर्चा है वो वीकेंड रिलेटेड है। तो बाजार किस तरीके के रहे वो चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा निफ्टी में किस तरीके की, बैंक निफ्टी में किस तरीके की पोजीशंस रही, और उसके बाद जो है बहुत सारे व्यूअर्स शायद इस टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते होंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक ग्रोथ स्टोरी अभी इसके ऊपर क्या राय है, क्योंकि इनके प्रोविजनल डेटा थे उसके ऊपर एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और क्या कंटेंट्स आप चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बैंकिंग में एक पॉजिटिव रुझान जो है प्रोविजनल डेटा के बाद देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा एक जो वीडियो है हम आपके साथ शेयर करेंगे, टर्न अराउंड बैंकिंग स्टॉक चेंज ऑफ लोन पोर्टफोलियो। और ये जो वीडियो है ये जनरली हमारी जो अल्फा मेंबर्स है उनके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आलीशान शेयर कौड़ियों के दाम, एक ऐसा शेयर जो हमें लगता है कि भाई शेयर तो बड़ा आलीशान है, वैल्यूएशंस बहुत बड़ी जबरदस्त है और कौड़ियों के दाम है, ये वीडियो भी हम जो है अल्फा मेंबर्स के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद एक हम अपने मेन फोरम के ऊपर जो IDFC फर्स्ट बैंक की वीडियो के साथ साथ डाउ जोन्स की तबाही निफ्टी की परीक्षा, ये वीडियो जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आप में से कुछ और वीडियोस भी अगर आप देखना चाहेंगे तो वो भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा जिस तरीके का बाजारों में आउटकम रहा, क्या तेजी रही किन शेयर्स में इस हफ्ते, वो एक बार एक आउटलुक ले लेते हैं कि भाई बाजार ने क्या सोचा है इस हफ्ते। और इसके अलावा किन शेयर्स में कमजोरी रही, कुछ स्टॉक स्पेसिफिकली भी बातें हम करेंगे। तो देखिएगा, इस हफ्ते की शुरुआत जो है काफ़ी अच्छी रही, इस हफ्ते की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही गिरावट के साथ। और गिरावट के बाद जो मंगलवार आया ना भाई साहब, क्या जबरदस्त पुलबैक आया। आप कहेंगे सर गिरावट को आप अच्छा क्यों कह रहे हैं? गिरावट को अच्छा इसलिए कहते हैं कि गिरावट में खरीदने का मौका मिलता है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सोचते होंगे कि यार तेजी हमेशा हो, अरे भाई साहब जब मंदी नहीं होगी, खरीदोगे नहीं सही भाव पे, तो बेचोगे कब? बाजार तो देखो तेजी कर ही लेगा। मैं आपको बोलता हूँ ना, 90% टाइम जो है बाजार में बुलिशनेस होती है, 10% टाइम जो है बियरनेस होती है। तो जब बियरनेस होती है ना तभी तो खरीदने का मौका मिलता है। तो जब खरीदने का मौका मिलता है तो तब अच्छा समय, बाजार तो ऊपर चली जाएगा इसकी तो हमें पता है। और जो लोग इंडेक्स में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि इंडेक्स में 50 शेयर हैं या बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो 12 शेयर्स हैं, कहीं ना कहीं मूव कर ही लेते हैं वो। तो जब गिरावट होती है तो बहुत लोग जो है उसको एक्युमुलेट करके खुश होते हैं, और जब बाजार ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्रॉफिट कमा के बहुत एंजॉय करते हैं। तो ट्रेडर्स को जो है ये बात समझ में आती है कि बाजार चलने चाहिए तो गिरने भी चाहिए। तो गिरने का जो मौका है ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा होता है जब वो अपने शेयर्स को इकट्ठा करें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोमवार का बाजार अच्छा था, जहाँ पर कि माल इकट्ठा करने का मौका मिला। उसके बाद देखिएगा, मंगलवार को गैप अप हुआ, बुधवार को एक अच्छी तेजी हुई, बुधवार की छुट्टी थी, बृहस्पतिवार को एक अच्छी तेजी के बाद बाजार स्लिप हुए, और कल जो है पूरे यानी कि शुक्रवार को एक कंसोलिडेशन में निफ्टी रहा। तो जब निफ्टी की अगर हम शुरुआत करें तो निफ्टी 17,000 के नीचे इस हफ्ते के दौरान गया सोमवार के दिन, और जो क्लोजिंग हुई वो 17,307 के ऊपर। सबसे बेहतरीन दिन जो ट्रेड के लिए था, एक तरफा जो ट्रेड हो रहे थे वो दिन थे दो। सोमवार को लगातार बाजार गिर रहा था, मंदी वाले लोगों ने पैसा बनाया, जो सोमवार को तेजी करके गए मंगलवार को गैप अप में पैसे बनाए, और फिर दिन भर तेजी रही उन्होंने भी पैसे बनाए। जो बृहस्पतिवार का दिन था थर्सडे, वो एक्सपायरी वाला दिन था, तो दिन के अंदर लगभग पूरे टाइम जो है तेजी रही, लास्ट के एक या डेढ़ घंटे में गिरावट आई। फिर कल शुक्रवार को एक गिरावट के बाद शाम को एक पुलबैक बाजार ने दिया। तो कुल मिलाकर एक मिला जुला जो है हफ्ता रहा, हालांकि एक पॉजिटिव नोट के साथ ही बाजार बंद हुए। लेकिन डाउ जोन्स ने कल जो है काम तमाम कर दिया, और डाउ जोन्स ने जो तेजी दी थी सोमवार के सेशन के अंदर, वो जिसका हमने मंगलवार के अंदर एंजॉयमेंट किया था हमारे बाजारों में, वहाँ से
बाजार जो है काफी हद तक जो है 52 वीक लो के पास पहुंच गए, तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर जो है 52 वीक लो से बंद हुआ है ऊपर डाउ जोन्स, और तकरीबन 600 पॉइंट की गिरावट जो है फ्राइडे के सेशन में देखने के लिए मिली। इसके अलावा निफ्टी बैंक देखिएगा 38,000 के नीचे चले गए थे सोमवार को, मंगलवार को गैप अप में एंजॉय किया और एक अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली और 39,000 के ऊपर जो है बाजार बंद हुए, और थर्सडे में 39,500 तक बाजार गए उस, और 39,500 की रेजिस्टेंस से वापस आए, और कल फ्राइडे के सेशन में बाजार गिरे तो सही लेकिन शाम होते होते एक रिकवरी देते हुए नजर आए, और अब बाजार यही कर रहे हैं, एक दिन गैप अप होता है, एक दिन गैप डाउन होता है, एक दो दिन कंसोलिडेशन होता है। तो अब देखते हैं सोमवार को किस तरीके से बाजार रहेंगे, उसके लिए एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस हफ्ते के दौरान जिन शेयर्स में बेहतरीन तेजी रही इंडेक्स के शेयर्स, तो कोल इंडिया 8% की तेजी रही इस हफ्ते में, ONGC में 5.5% की, JSW स्टील, हिंडालको और टाइटन तकरीबन 5% के आसपास की तेजी रही, L&T टाटा स्टील और विप्रो 3-4% के बीच की तेजी रही, एक्सिस बैंक जो है बैंकिंग सेक्टर में सबसे मजबूत था जो इंडेक्स के अंदर है, हीरो मोटोकॉर्प में 2.97% की तेजी रही, और हीरो मोटोकॉर्प के जो है नंबर्स बहुत बढ़िया थे, जो डेटा जो है 1 तारीख को आया था उसके बाद जो सोमवार ने उसने नेगेटिवली रिएक्ट किया लेकिन उसके बाद ठीक हो गया हीरो मोटोकॉर्प। NTPC और UPL दोनों में तेजी थी, HCL टेक, इन्फोसिस ये भी जो है इस हफ्ते मजबूत रहे, और ICICI बैंक तो देखिएगा अभी एवरग्रीन ही हो रखा है और हर हफ्ते लगभग तेजी रहता है, एक दो हफ्ते अगर 5 हफ्तों में से देखें तो 2 हफ्ते कमजोर रहता है तो 3 चलता है, एक ही बल्कि कमजोर रहता है 4 हफ्ते चलता है। अदानी इंटरप्राइजेज, आईशर मोटर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटेनी और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स थे जिनमें थोड़ी सी कमजोरी थी, और अदानी इंटरप्राइजेज 5% की कमजोरी के साथ क्लोज हुआ। रीजन ये था कि इंडेक्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया तो इंडेक्स की जो बैलेंसिंग है वो शायद करता हुआ अदानी इंटरप्राइज नजर आया। आईशर मोटर में भी कमजोरी थी 4.81 की, हिंदुस्तान यूनिलीवर फिर महंगाई की मार या उस ग्रोथ के नंबर्स को शायद मेंटेन करेगा नहीं करेगा उस वजह से शायद हमें लगता है कमजोरी थी। FMCG में टाटा कंज्यूमर में भी जो है कमजोरी रही। अब इस हफ्ते की जो वीडियो मैंने आपके साथ चर्चा करूंगा उसके साथ साथ इस हफ्ते जो मेन खबर रही वो रही क्रूड ऑयल से संबंधित। क्रूड ऑयल से संबंधित खबर क्या रही कि जो ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई वो अपना ऑयल का प्रोडक्शन जो है 2 मिलियन पर डे के हिसाब से कम कर देंगे। तो जो 2 मिलियन बैरल जो है पर डे के हिसाब से जो कम करेंगे उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस तकरीबन $97 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आए। तो एक ये पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रूड के लिए तो है लेकिन इकोनॉमी के लिए फिर एक नेगेटिव सेंटिमेंट है, और US के बाजारों में भी शायद इसका एक इम्पैक्ट था क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो US के अंदर फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और शायद यही रीज़न था कल एक जो है एक्सपेक्टेशन थी कि भाई जो है नेक्स्ट फेडरल रिजर्व की मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लेकिन अब उसकी उम्मीदें भी दोबारा से 0.75 के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही हैं, और ये सारा गेम बिगड़ा है ब्रेंट क्रूड के प्राइजेस की वजह से। और इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर इस हफ्ते तो जबरदस्त वाला दम जो है देखने के लिए मिला, रिजल्ट जो है आएंगे इस हफ्ते और कुछ कंपनीज ने अपनी जो सेल्स के डेटा दिए हैं वो काफ़ी बेहतरीन थे लेकिन मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर रहता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने एक आउट परफॉर्मेंस जो है इस हफ्ते बाजार के अंदर दी। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के वो हिस्से जहाँ पर लड़ाई चल रही थी और जिसको वो ये मानता है कि वो उसके हिस्से होने चाहिए तो उन हिस्सों को आधिकारिक रूप से अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है और वो अब रशिया के हिस्से माने जाएंगे, और रशिया के अंदर जो है ये एंजॉयमेंट चल रही थी, और पुतिन जी जो है 70 साल के हो गए हैं ये जो खबरें हैं ये भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो है छाई हुई हैं। इसके अलावा आज एयरफोर्स डे है और हम जो है एयरफोर्स डे एंजॉय कर रहे हैं, उसके अलावा जो है बहुत सारी घटनाएं हमारे यहाँ पे देश विदेश में चलती रही हैं, और नेक्स्ट वीक जो है रिजल्ट के से रिलेटेड रहेगा। तो आज की चर्चा इसी में, इनमें से जो 4 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनमें से हो सकता है कि 2 वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करें, 2 वीडियो कल शेयर करें, कुछ और बच गया और कुछ समय मिला तो किसी और वीडियो के लिए भी अगर हम गुंजाइश होगी तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आप इनमें से कौन सी वीडियो पहले देखना चाहते हैं मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।